नमस्ते, टोपी शुक्ला कहानी के आज यहाँ प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है हमारा इफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। इसका आंसर है कि इफन टोपी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि कथानायक टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफन के साथ हुई थी। टोपी शुक्ला वह इफन विपरीत धर्मों के होते हुए भी अटूट व विभिन्न मित्र थे। इफन के बिना टोपी शुक्ला की कहानी में अधूरापन लगेगा और उसे समझा नहीं जा सकेगा। दोनों की घरेलू परंपराएं अलग अलग होने पर भी कोई ताकत उन्हें मिलने से नहीं रोक पाई। तो यहाँ लेखक का यही कहना है कि दोनों की जो परंपराएं भी अलग थीं लेकिन फिर भी उनमें एक मित्रता थी, एक घनिष्ठ मित्रता बन गई थी जिस कारण वो अलग नहीं हो पा रहे थे। इसलिए इफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है कि इफन की दादी अपने पियर क्यों जाना चाहती थी। तो इसका आंसर है इफन की दादी पियर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वे जमींदार परिवार की बेटी थी। उनके पीहर में घी, दूध व दही की भरमार थी। उन्होंने शादी से पहले पीहर में खूब दूध दही खाया था। बाद में वे लखनऊ के मौलवी से ब्याही गई थी जहां उन्हें अपनी मौलवी पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था। पीहर जाने पर वे स्वतंत्र अनुभव करती थी और लपड़ सपड़ जी भर कर दूध दही खाती थी। इसी कारण उनका मन हर समय पीहर जाने को तरसता था। तो यहाँ जो इफन की दादी हैं वे घी दूध दही के लिए अपने ससुराल में आकर के तरस जाती हैं, इसलिए उन्हें बार बार अपने पीहर जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ उन्हें घी दूध व दही खाने को अच्छा सा मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई। तो इसका जो आंसर है कि दादी अपने बेटे सैयद मुर्तजा हुसैन की शादी में गाने बजाने की इच्छा को इसलिए पूरी नहीं कर पाई क्योंकि उनके पति कट्टर मौलवी थे, हिंदुओं के हाथ का पका हुआ तक नहीं खाते थे और बेटे की शादी में दादी का दिल गाने बजाने को लेकर खूब फड़फड़ाया। किंतु मौलवियों के घर में गाने बजाने की पाबंदी होती थी इसलिए उनकी इच्छा मन में ही दबकर रह गई और बेटे की शादी के बाद मौलवी साहब की मृत्यु हो गई और इफन बाद में पैदा हुआ था जिस कारण दादी को अब कोई भी डर नहीं रह गया और उसने इफन की छठी पर खूब नाच गाकर जश्न मनाया। मतलब उनकी जो इच्छा थी वो उनके इफन की छठी पर पूर्ण हो गई। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, अम्मी सब सुनकर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका आंसर है कि टोपी शुक्ला के घर वाले आधुनिक होने के साथ साथ कट्टर हिंदू भी थे और अम्मी सब मुसलमानों के घर में इस्तेमाल होता है। किंतु जब टोपी शुक्ला के मुख से अम्मी सब सुना गया तो घर वालों के होश उड़ गए। अब उनकी परंपराओं की जो दीवार डोलने लगी, उनका धर्म संकट में पड़ गया। सभी की आंखें टोपी के चेहरे पर जम गई। उनकी संस्कृति के विपरीत यह शब्द घर में कैसे आ गया, सभी यही सोचने लगे। लेकिन जब टोपी ने बताया कि यह उसने अपने दोस्त इफन के घर से सीखा है तो उसकी माँ और दादी ने उसकी खूब जमकर पिटाई की क्योंकि वो हिंदू थे और मुसलमानी शब्दों से उन्हें इतना लगाव नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इसने ये अम्मी सब कहाँ से सीखा और उसकी दोनों ने, दादी और माँ ने जमकर के पिटाई की। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है। तो 10 अक्टूबर सन 1945 वैसे तो सामान्य दिन था
परंतु टोपी की जिंदगी में यह दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन उसके सबसे प्यारे दोस्त इफन के पिता का तबादला हो गया, मतलब उनका जो ट्रांसफ़र हो गया, बदली हो गई, और वे सब परिवार मुरादाबाद चले गए थे। अब टोपी बिल्कुल अकेला हो गया था, क्योंकि इफन के पिता की जगह आने वाले कलेक्टर के तीनों बेटों में से किसी ने भी उसके साथ दोस्ती नहीं की थी। इसी दिन टोपी ने कसम खाई थी कि वह ऐसे लड़के से दोस्ती कभी नहीं करेगा जिसका पिता ऐसी नौकरी करता हो जिसकी बदली हो जाती है। तो यहाँ पर टोपी को बहुत दुख होता है और उसे ये एहसास होता है कि मैं कभी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करूँगा जिसकी पिता की बदली हो जाती है। तो उसके अपने मित्र के बिछड़ने का उसे बहुत दुख है, इसलिए वो 10 अक्टूबर सन 45 के दिन को वो याद रखता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है कि टोपी ने इफन से दादी बदलने की बात क्यों की, मतलब वो इफन से अपनी दादी क्यों बदलना चाहता है। तो यहाँ इसका आंसर है कि टोपी की दादी का जो स्वभाव था वो अच्छा ना था, वो हर समय उससे बात पिटाई करती थी और उससे उसे प्यार ना करती थी। वह हमेशा टोपी को डांटती फटकारती थी, वह कभी भी उसे प्यार नहीं करती थी। और टोपी की दादी परंपराओं से बंधे होने के कारण कट्टर हिंदू भी थी, वे टोपी को इफन के घर जाने से रोकती थी। दूसरी ओर इफन की दादी बहुत नरम स्वभाव की थी, जो बच्चों पर क्रोध करना तो जानती ही ना थी। इसी स्नेह के कारण टोपी इफन से अपनी दादी बदलने के लिए कहता है। उनकी बोली भी टोपी को बहुत ही अच्छी लगती थी और टोपी को इफन की दादी कहानी भी सुनाया करती थी। तो आपने यहाँ देखा कि जो भी कोई है, चाहे वो उम्र में कितना बड़ा हो या किसी भी धर्म का हो, लेकिन जब वो हमसे प्यार करता है तो जब हम कोई भी किसी से प्यार करता है तो वो उसका बन के रह जाता है। तो प्यार सबसे सर्वोपरि है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, पूरे घर में इफन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था। अब यहाँ इसका कारण देखिए कि पूरे घर में इफन को दादी से ही विशेष स्नेह था, यद्यपि प्यार तो उसे अपने अब्बू अम्मी और बाजी से भी था, तथापि दादी से उसे विशेष लगाव था। क्यों? क्योंकि अब्बू तो कभी कभी उन्हें डांट भी दिया करते थे इफन को, परंतु एकमात्र दादी ही ऐसी थी कि जिन्होंने उसका दिल कभी नहीं दुखाया था। दादी रात में इफन को प्यार से तरह तरह की कहानी सुनाया करती थी और दादी की भाषा भी इफन को बहुत अच्छी लगती थी। यही कारण था कि इफन अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगने लगा। आंसर है कि इफन की दादी स्नेहमयी थी, वह टोपी को बहुत दुलार करती थी, टोपी को भी स्नेह व अपनत्व की ज़रूरत थी, क्योंकि घर में भी उसे सब कुछ डांट दिया, सभी कोई डांट दिया करते थे, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, दादी है, बड़ा भाई, मुन्नी, बाबू, छोटा भाई भैरव, दादी और मम्मी भी है ना, उसे पीटती रहती थी। टोपी जब भी इफन के घर जाता था तो वह अधिकतर उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता था, क्योंकि उस घर में वही उसे सबसे अच्छी लगती थी। और दादी के देहांत के बाद टोपी के लिए वहाँ कोई न था, टोपी को वह घर खाली लगने लगा, क्योंकि इफन के घर का केवल एक आकर्षण था जो टोपी के लिए ख़त्म हो चुका था। इसी कारण टोपी को इफन की दादी के देहांत के बाद उसका घर खाली खाली सा लगने लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफन की दादी है वो टोपी को बहुत प्यार करती थी और उसे प्यार से कहानियाँ भी सुनाती थी। तो यही कारण था कि उसकी दादी की मृत्यु के बाद इफन का घर टोपी को खाली खाली सा लगने लगा। तो यहाँ 1-8 प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।